ओके बॉस। रीना और सुमन बॉस ऑफिस में बुला रहे। You are doing excellent work. अगर आप इसी तरीके से मेहनत और लगन से काम करते रहे तो आपकी प्रमोशन आपसे दूर नहीं है। Thank you, sir. Good morning, boss. Good morning. मुझे आपसे कोई बात करनी है। Please. Thank you. क्या बात करनी है? बॉस कल आपने कहा आप निशा को प्रमोशन करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। प्रमोशन किस चीज़ का प्रमोशन? आप किस बिहाफ पर निशा को प्रमोशन करना चाहते हैं, लेकिन निशा इस काबिल नहीं है कि उसका प्रमोशन किया जाए। वो सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती है। निशा टाइम पे ऑफिस नहीं आती, जितना काम होता अपने घर पर लेकर जाती है। अगर आप मेरी माने तो आप निशा का प्रमोशन मत कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। ओके रीना, आई विल सी। तुमने निशा के साथ बहुत गलत किया। क्या मतलब? जब तुम बॉस को निशा के बारे में बहका रही थी तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। तुम निशा से क्यों जेलिस होती हो? क्या तुम निशा को अपने आप से बेहतर समझती हो? रीना, अगर निशा इस काबिल है तो तुम क्यों जलती हो? मेरी बात मानो, आज जाकर बॉस को सब कुछ बता दो। जो लोग हसद करते हैं हमारा खुदा उन्हें पसंद नहीं करता, और जो लोग हसद करते हैं वो कभी कामयाब भी नहीं होते। सुमन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने निशा के साथ जो भी किया बहुत गलत किया। आज तुम्हारे वसीला से खुदावंद ने मेरी आंखें खोली। मैं अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं बॉस को अभी जाके सब कुछ सच सच बता दूँगी। बॉस, मुझे आपको कुछ बताना था। बॉस, मैंने आपको निशा के खिलाफ जो भी बातें की वो सब गलत था। मैं अपने आप से निशा को बेहतर समझती थी। कल जब आपने प्रमोशन की बात की तो मैं बहुत ज़्यादा जलस हुई, लेकिन मेरे दिल में मेरे खुदा ने ये डाला कि मैंने निशा के साथ जो भी किया वो सब गलत है। मेरी रूह इस बात से डिस्टर्ब है कि मैंने निशा के साथ बहुत गलत किया। मुझे मेरे खुदा ने एहसास दिलाया कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं था करना चाहिए। असल में आपसे, निशा से और अपने खुदा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। निशा इस बात की ज़रूर हकदार है कि उसको प्रमोशन दिया जाए। रीना, आपने जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन खुशहाल बात यह है कि आपको अपनी गलती का एहसास है। और हमें हमेशा अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए कि हसद से हम दूसरों का नुकसान नहीं बल्कि अपना नुकसान कर रहे होते हैं। दूसरों की जो कामयाबी है ये हमारी नाकामी नहीं हो सकती। दूसरों की कामयाबी और तरक्की पर हमें खुश होना चाहिए।